मध्य प्रदेश स्थापना दिवस महोत्सव के अंतर्गत रायसेन में लाडली लक्ष्मी वाचिका और लाडली लक्ष्मी पथ का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मंत्री, विधायक, सांसद और जिला पंचायत व नगर पालिका अध्यक्ष मौजूद रहे। कार्यक्रम के शुभारंभ करते हुए प्रभारी मंत्री डॉक्टर भदौरिया ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना से समाज में बेटियों के प्रति सोच में बदलाव आया है। उन्होंने कहा है कि समाज का आधा भाग, आधी आबादी बेटियां और बहनें हैं। सीएम ने इनकी चिंता करते हुए शिक्षा रोजगार विभाग के लिए योजनाएं प्रारंभ की हैं। साथ ही लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के तहत लाडली बालिकाओं को कॉलेज में प्रवेश लेने पर 12,500 और अंतिम वर्ष में 12,500 रुपए, इस प्रकार 25,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। बेटी दोनों होते हैं तो उन्होंने कहा कि पहले लड़के को खिलाओ दूध, लड़के को ज्यादा पिलाओ, गाय का दूध भी लड़के को ज्यादा पिलाओ, बच्चा खुचा होगा तो बाद में बेटी को देते हैं। तो अंतर वहां से जब शुरू होता है तो वहां कमजोरी शुरुआत कहां से, बचपन से ही दो पेड़ लगाए, एक पेड़ में आप खाद पानी दे रहे हो और दूसरे पेड़ में खाद पानी नहीं दे रहे हो, तो कमजोरी कुपोषित के शिकार बेटियां हमारे घर से कई बार शुरुआत हो जाती है। अगर बेटा होगा तो कमाएगा, बेटी तो घर में रहेगी, ये पूरे दर्शन को बदलने का किसी ने काम किया है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। ये कभी इस देश में नहीं था। जिस तरीके मान और सम्मान के साथ में जिस हर काम में मध्य प्रदेश की सरकार और शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं और हमारी बेटियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, और जिस तरीके से पहले हम देखते थे कि समाज में जब बेटी घर में पैदा होती थी तो लोग उसके माता पिता बहुत समझते थे, सोचते थे कि अब इसकी पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगी, इसकी परिवार से करना पड़ेगी, इसकी शादी भी करना पड़ेगी। इसलिए मैं आप सबके लिए आज इस कार्यक्रम में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं।